हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नोडल एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस बेस्ड था किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, जबकि नोडल एनालिसिस बेस्ड होता है केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, जिसका मतलब होता है अगर कोई नोड पर करंट आता है उतना ही जाता है, दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इसका ये मेन कंसेप्ट है नोडल का, जो इन करंट आ रहा है वो उतना ही जाता है, दोनों बराबर होते हैं। इनकमिंग करंट इनटू इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको हम एक न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल से किस तरह से करंट निकालते हैं नोडल करते हुए हम वो देखते हैं। तो आइए ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमको करंट फाइंड करना है 25 ओम के अक्रॉस। तो हम सबसे पहले करंट असाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स इस तरह से लगा तो करंट को यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। ये हो गया I1, ये हो गया तुम्हारा I2, क्योंकि यहाँ सोर्स लगा है, इस तरह से करंट जा रहा होगा, इसमें इस तरह से करंट जा रहा होगा। तो देखिए I3 करंट इसमें आ रहा होगा, यहाँ कोई वोल्टेज भी। तो अब देखिए, तो सबसे पहले इस पर भी पर हमको ये भी नोड है, इस पर हमको केसीएल लगाना है। तो केसीएल इन नोड भी, तो इसमें क्या बोलना है, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। कौन कौन सा करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है और I3 करंट जा रहा है। तो I1 प्लस I2 आ रहा है, जा रहा है I3, ठीक है। जो करंट आ रहा है नोड बी पर और जो नोड बी से जा रहा है वो। अब देखो ये होगी इक्वेशन वन तुम्हारी, ये होगी इक्वेशन वन। अब देखिए, अब I1 क्या है, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, इधर से खत्म हो रहा है इस पे। तो हम क्या पढ़े हैं, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का देखो सबसे पहले, तो I1 क्या आ जाएगा, जीरो बीच का साइन बाद वाला साइन प्लस माइनस बी अपॉन टेन रेजिस्टेंस। इसी तरह I2 क्या आ जाएगा, जीरो ये बाद वाला साइन प्लस 30 माइनस बी अपॉन 45। I3 कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से खत्म कहां पे हो रहा है, जीरो के बराबर, बी माइनस जीरो अपॉन 100। ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री। फिर से बताते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इस नोड पर हमको देखना है करंट कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 जा रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली जहां से माइनस से प्लस वोल्टेज में करंट फ्लो होता है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्शन इस साइड ली। I3 ऑब्वियसली यहाँ से करंट I1 आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, कहीं से करंट जा रहा होगा, तो I3 करंट जा रहा है। इस तरह से हमने इक्वेशन लिखी। फिर I1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, I1 का वैल्यू लिखने के लिए करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जितना भी अपॉन रेजिस्टेंस जितना भी। तो यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, जीरो प्लस 60 माइनस बी अपॉन 10। दूसरा जीरो प्लस 30 माइनस बी अपॉन 25। तीसरा भी माइनस जीरो अपॉन 100 रेजिस्टेंस। ये हो गए तीन इक्वेशन। तो अब देखिए पुट पुट टू थ्री फोर इंटू इंटू वन। तो दो तीन चार अपने को वन में पुट करना है।
तो कैसे करना है देखिए, आई वन जीरो को छोड़िए, तो 60 माइनस बी अपॉन 10 प्लस 30 माइनस बी अपॉन 25 अपॉन बी अपॉन 100, इनके लघुत्तम समापवर्तक लेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब 6 10 का गुण 6 के 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस 10 बी प्लस 4 में बड़ा हो जाएगा 120 माइनस 4 बी अपॉन बी। सिंपल लघुत्तम समापवर्तक के लिए कुछ नहीं किया, इसको जोड़ देंगे, फिर 720 फिर 14 बी माइनस बी 720 बराबर 15 बी। ये आ जाएगी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48। ये आ गया आपकी बी की वैल्यू गोल्ड। अब देखिए आप करंट कहाँ का निकालना था, ये वाला मतलब आई टू आपको करंट निकालना था। आई टू बराबर क्या था, 30 माइनस बी अपॉन 25, तो 30 माइनस 48 अपॉन 25 ये कितना हो गया, माइनस 18 अपॉन 25, तो 4 का गुणा कर दो इसमें, माइनस 0.72 आई टू आ गया माइनस 0.72 एम्पियर। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हम डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं वो रिवर्स है, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर से ही होगी, कहने का मतलब करंट की डायरेक्शन इधर से ही होगी, इधर से ही करंट की डायरेक्शन यहाँ साइकिल होगा, कहने का मतलब यहाँ साइकिल होगा। तो ये आ गया हमारा I2। तो इस तरह से हम कोई भी करंट की इक्वेशन नोडल का उपयोग करके निकाल सकते हैं। तो आज हमने प्रॉब्लम बन चर्चा करी, इसके हम और थोड़ा डिफिकल क्वेश्चन करा देंगे। तो थैंक यू, जिन लोगों को अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दें, और जो दूसरी वीडियो या जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी लिख दें, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।